गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आप लोग सुमित गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुड मॉर्निंग, मनीष गुड मॉर्निंग जी। स्टार्ट कर रहे हैं अब। ऋतिक गुड मॉर्निंग, एसके टेक्निकल स्टोर अच्छा गुड मॉर्निंग। और सब बताइए। मिथुन जी गुड मॉर्निंग, नन्ही गुड मॉर्निंग, मानव गुड मॉर्निंग। क्लास चालू होने वाला है, सभी आ जाइए जल्दी से। और सब बताइए आप लोग कैसे हैं। गुड मॉर्निंग सत्यम, गुड मॉर्निंग मेहुल। आज जो हम आप लोगों को बताएंगे वो क्वेश्चन नंबर है 13 से स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर जो आज स्टार्ट करेंगे वो कितना से स्टार्ट करेंगे, 13 से। 13 का फर्स्ट है भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण यानी उन्नतास कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले एक जो है मीनार बना देंगे, समझ रहे हैं ना, क्या करेंगे मीनार बना देंगे और इसको मान लेंगे, यानी ए बी क्या हो गया, मीनार हो गया। उसके बाद मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर इसका जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। मीनार की ओर बोला, मीनार यहाँ है ना, मीनार की ओर बोला है कितना मीटर, 30 मीटर जाने पर बढ़ा दीजिए। सोचो कि यहाँ पे 30 मीटर पूरेगा यहाँ से यहाँ तक, यानी इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है। तब जो है उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। समझ में आ रहा है, इसको हम डी मान लेते हैं। क्या है, ए बी एक मीनार है, देख रहे हैं ना, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, यानी ए बी ले लिए हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एक्स मीटर मान लिए, तथा मीनार का उन्नयन कोण पहले कितना था, 30 डिग्री है, और मीनार की ओर 30 मीटर चलने के बाद, मीनार की ओर जिधर मीनार खड़ी है 30 मीटर चलने के बाद इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। समझ गए, अब जो दिया हुआ है लिख दे रहे हैं। डीसी बराबर कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है ना, डीसी बराबर 30 मीटर। एबी को क्या माने हैं, एक्स, एबी को एक्स, और ये जो बीडी है इसको हम लोग वाई मान लेंगे, बीडी को क्या मान लेंगे, वाई। हमको ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है।
समझ रहे हैं ना क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो इसमें देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज, एक है ए बी डी, देख लीजिए ए बी डी एक त्रिभुज बन गया, और दूसरा जो समकोण त्रिभुज बन रहा है वो ए बी सी बन रहा है ना, दो समकोण त्रिभुज। अब क्या करना है, दोनों समकोण त्रिभुज में चलना है। यदि आपको टोटल बी सी की लंबाई पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, वाई प्लस 30 मीटर हो जाएगा ना, वाई प्लस 30 मीटर टोटल यदि बी सी की लंबाई पूछ दिया जाए तो लिख दीजिए BC बराबर कितना हो जाएगा, Y प्लस 30 मीटर। हम सिर्फ समीकरण निकाल के आप लोगों को अच्छी तरह से दे देंगे और समझा देंगे। अब क्या करना है, चलना है पहले समकोण त्रिभुज किस में चले, ABD में चलते हैं, छोटा वाला में ABD में लिखना है समकोण त्रिभुज ABD में। चलिए यहां मीनार की ऊंचाई है, इस कोण के लिए लंब हुआ और ये आधार हुआ। कल कोई प्रश्न किए थे तमीद ने कि सर हम कैसे जानेंगे कि टैन लेना है, साइन लेना है, कॉट लेना है, सेक लेना है, कैसे जानेंगे। तो जो भी नहीं जान रहे हैं तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, और अभी भी बता दे रहे हैं, साइन थीटा पी बटे एच, जिसमें देख लीजिए इस कोण के लिए लंब हो गया यानी पी हो गया, और इस और जिस पर ये कोण टिका हुआ है वो क्या हो गया, ये आधार हो गया। तो पूछ रहे थे सर जिसमें पी और एच आएगा, पी और एच किस में आएगा, साइन थीटा में, बी बटे एच रहेगा जिसमें, किस में आएगा, कॉस थीटा में। तो पता चल जाएगा क्या लेना है, कॉस लेना है, यदि बी वाई एच रहे तो कॉस थीटा लेना है, साइन थीटा रहे तो पी वाई एच दिया हुआ रहेगा, या फिर टेन थीटा रहे तो पी बटे बी दिया हुआ रहेगा। इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि किस में क्या लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टेन लगेगा। देखिए समकोण त्रिभुज एबीडी में, अब पी और बी है किस में लेना है, टेन थीटा में, तो टेन थीटा पी बटे बी कर सकते हैं, ए बी बटे बी डी, टेन कितना है 60 है, टेन 60 डिग्री का जो मान होगा वो पुट कर दीजिएगा, एक्स बटे वाई, टेन 60 बराबर रूट थ्री बराबर एक्स बटे वाई, और कर दीजिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट थ्री वाई, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट थ्री वाई आ गया, एक समीकरण आ गया मेरा। दूसरा समीकरण हम चल रहे हैं, अब चलना है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग। एबीसी में यहां पर है टेन 30, यहां पे 30 डिग्री है, कौन सी का मान कितना है 30 डिग्री, इस कोण के लिए पी और बी क्या हो गया बीसी, यानी एबी हो गया लंब और बीसी हो गया आधार। इसमें भी लेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, ये पहले लिख दीजिए, टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, टेन 30 क्या हो जाएगा, एक्स बटे बी सी, बी सी बी सी का मान कितना है वाई प्लस 30, टेन 30 का मान 1 बटे रूट थ्री एक्स बटे वाई प्लस 30 लिख सकते हैं, एक्स का मान फुट कर सकते हैं यहां पे, या फिर इसको भी बराबर कर लीजिए, कितना हो जाएगा एक्स बराबर वाई प्लस 30 बटे रूट थ्री, समीकरण सेकेंड।
मयंक गुड मॉर्निंग, अब देखिए आप लोगों को समीकरण फर्स्ट और समीकरण इधर समीकरण फर्स्ट है इधर सेकंड है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हल कर लेना है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से LHS बराबर है ना दोनों का, तो RHS बराबर कर देना है, यानी रूट थ्री वाई बराबर वाई प्लस तीस बटे रूट थ्री, रूट थ्री गुना रूट थ्री या थ्री वाई बराबर वाई प्लस तीस हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो सिर्फ घटा दीजिए, 2y बराबर 30 हो जाएगा, काट दीजिए y बराबर आ गया 15, y का मान निकल गया यानी BD की दूरी निकला। अब समीकरण फर्स्ट में रख देंगे मान, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा बताइए, y का मान रख रहे हैं x बराबर कितना है रूट थ्री और y का मान पुट कर दीजिए, तो y का मान 15 है तो 15 रूट थ्री आंसर हो जाएगा मीटर, आ गया समझ में सभी को जी नन्नी, बिल्कुल सही है मनीष, y बराबर 15 ठीक है। देखिए हमसे समीकरण हल मत करवाइए, आप लोग जो है तेजी से, एक पहला समीकरण था इसलिए हम हल कर दिए, अगली बार से आप लोगों से करवाएंगे, देख रहे हैं। लिख देना है तक मीनार की ऊंचाई AB बराबर यानी x बराबर 15 रूट 3 मीटर, लास्ट में अंत में नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट सवाल है कि एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, एक मीनार अपनी जड़ की सतह से किसी बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पर वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। मान लीजिए यह मीनार था ए बी, पहले जो है इसका जो कोण था 60 डिग्री था, ए बी मीनार था और इसका कोण कितना था 60 डिग्री था। अब क्या किया, यहां से ए बी सी समकोण त्रिभुज था, यहां से 20 मीटर दूर जाने पर 20 मीटर पीछे हटा, मीनार की ओर नहीं गया, मतलब कि मीनार से दूर गया, मीनार से दूर गया तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका जो कोण है वो 30 डिग्री का हो जाता है, घटकर कितना डिग्री का हो गया 30 डिग्री का हो गया, और इस कोण को हम डी मान लिए, समझ गए, इस कोण को हम क्या मान लिए डी मान लिए। इसमें भी मान लेंगे कि माना कि ए भी एक मीनार है और इसका उन्नयन कोण पहले कितना था 30 डिग्री था, मीनार से 20 मीटर पीछे हटने पर इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है 30 डिग्री। तो अब देखिए ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, ए बी जो मीनार है इसकी ऊंचाई को हम लोग एक्स मान लिए, बी सी जो दूरी थी मान लिए, टोटल दूरी क्या आ जाएगा वाई प्लस 20, कितना हो जाएगा y प्लस 20। चलना है दो त्रिभुज में, किसमें चलना है दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, दूसरा त्रिभुज ए बी डी बन रहा है, जिस प्रकार से अभी किए थे उसी प्रकार से करना है, क्या करना है कि सबसे पहले जो चलना है समकोण त्रिभुज में चलना है,
ए बी सी, ए बी सी एक क्या हुआ समकोण त्रिभुज है, तो चलना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें भी देखिए लंब है और ये आधार है, टेन साठ के लिए चलेंगे, टेन साठ क्या हो जाएगा ए बी बेटे बी सी, टेन साठ का मान रूट थ्री हो जाएगा, ए बी का मान एक्स है और बी सी का मान वाई, यानी एक्स बराबर हो गया रूट थ्री वाई, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर पुनः चलेंगे त्रिभुज, टोटल त्रिभुज में चलेंगे, बड़ी वाली त्रिभुज में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा बताइए, इसमें भी चलेंगे टेन तीस लेना है, इसमें टेन तीस लेना है क्योंकि थीटा का मान यहां पे 30 डिग्री हो रहा है, टेन तीस यानी पी बटे बी यानी ए बी बटे बी डी, टेन तीस का मान बोलिए वन बाय रूट थ्री, टेन तीस वन बाय रूट थ्री, फिर ए बी, ए बी का तो मान एक्स है और बी डी का मान हो जाएगा, बी डी का जो मान हो जाएगा वाई प्लस बीस, वाई प्लस बीस, समझ में आया। अब क्या करना है बताइए, ये समीकरण या फिर जैसे यहां एक्स बराबर निकाले यहां भी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स बराबर रूट थ्री इंटू वाई प्लस बीस, ज्यादा होता है तो गुना कर दीजिए, रूट थ्री वाई प्लस बीस रूट थ्री, इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चलेंगे, उससे हमारा जो है वाई का मान निकलेगा और फिर वाई का मान जो है रख देना है किस में, समीकरण फर्स्ट में रख देना है, वाई का मान निकल जाएगा। आ जाएगा आंसर, बस आगे आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लेना है जी, जितना भी आ जाए आंसर ठीक है, आप लोग कर सकते हैं हल, आगे आपको हल करना है। नेक्स्ट सवाल है, 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गड़ा है, क्या है 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर क्या है झंडा गड़ा है, सोचो कि ये 20 मीटर ऊंचा मीनार था, इस पर एक झंडा खड़ा कर दिया गया है, यहां पे झंडा है, सोचो सबसे पहले मीनार था, 20 मीटर ऊंची मीनार पर एक झंडा, यहां के बाद से झंडा हो गया है। फिर बोला गया कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से, कहीं पे ले लो जमीन पर स्थित एक बिंदु ले लिए, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद, झंडा का जो पाद है कौन है, ये है देखिए, ये झंडा का शीर्ष है और ये झंडे का पाद है, तो झंडे के पाद शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और झंडा का जो पाद है इसका जो कोण है ये 45 डिग्री है और इसका जो शीर्ष है इसका कितना डिग्री है 60 डिग्री है, आ रहा है समझ में, समझे इसको, क्या है मीनार पर झंडा खड़ा है, पहले तो मीनार है और इसके ऊपर पे झंडा खड़ा कर दिए, तो झंडा का जो पाद था इसके साथ ये 45 डिग्री का कोण बना रहा था और झंडा का जो शीर्ष है, झंडा का जो शीर्ष है इसके साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा था, तो क्या हो गया बताइए, इस तरह से दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। कुछ मान लेते हैं कि झंडा का जो है ऊंचाई, ये देखिए झंडा का ऊंचाई ये है x मान लिए, झंडा का ऊंचाई x मान लिए, ये जो दूरी मीनार का तो ऊंचाई दिया हुआ था और जो एक बिंदु, अब मान पुट कर देते थोड़ा अच्छा लगेगा, a
बी सी डी कर दिए। अब क्या करना है, सी डी को वाई मान लेना है। इस प्रकार से इस फिगर में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। कितने समकोण त्रिभुज? दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए एक ए सी डी, एक ए सी डी समकोण त्रिभुज बना, दूसरा जो समकोण त्रिभुज बन रहा है वो बी सी डी, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और इसमें जो हो जाएगी टोटल जो ऊंचाई हो जाएगी झंडा प्लस मीनार, तो x प्लस 20 झंडा प्लस मीनार, x प्लस 20 और तो सब निकल जाएगा। अब देखिए आप लोगों को जो करना है क्या करना है, मान लेना है, माना कि BC क्या है, मीनार है, ठीक है, तथा AB क्या है, झंडा है। BC क्या हुआ, मीनार, AB क्या हुआ, झंडा है, समझे। तथा CD जो दूरी है, एक बिंदु CD जो दूरी है एक सरल रेखा पर है, जमीन पर स्थित है, D बिंदु तक गया है, और CD को दूरी को क्या मान लिए है, Y मान लिए है। इसमें जो दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है, BC बराबर कितना दिया है, BC बराबर 20 मीटर दिया हुआ था। यदि हम AC को टोटल काउंट करते हैं तो X प्लस 20 मीटर हो जाएगा, X प्लस 20 मीटर। CD की दूरी कितना हो जाएगा, CD की दूरी Y मान लिए हैं। अब कौन भी दिया हुआ है ना, कौन भी दिया हुआ है, कौन BDC, कौन BDC कितना दिया है, 45 डिग्री, और एक कौन और दिया है ADC जो बड़ा वाला कौन है 60 डिग्री है। अब आपको जिस त्रिभुज में चलना है, जिस त्रिभुज में चलना है उसका कोण लेना है और उसकी भुजाएं लेना है। जिस त्रिभुज में चलना है उसका क्या करना है, भुजाएं लेना है और उसका कोण लेना है। चलिए हम समीकरण निकाल के दे रहे हैं आपको। पहले जो हम त्रिभुज चल रहे हैं ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में कितना लेंगे हम, ए सी डी तो बड़ा वाला कौन हो जाएगा। इसमें भी क्या लेना पड़ेगा, जब जान रहे हैं ये है और जब टेन लगेगा ये क्या है, लंब है और ये आधार है, तो क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा कर लगाएंगे, तो टेन साठ लेंगे, टेन साठ बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे सी डी, टेन साठ ए सी बटे सी डी, टेन साठ का मान रख दीजिए रूट थ्री, ए सी का मान एक्स प्लस 20 और सी डी का मान वाई क्या हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट कर देते हैं, वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20 बटे रूट थ्री। समीकरण फर्स्ट मान लेना है, क्या करना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना है। दूसरा समीकरण दूसरा जो समीकरण निकलेगा किस त्रिभुज से निकलेगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी सी डी से निकलेगा, समकोण त्रिभुज बी सी डी से क्या आ जाएगा बताइए, समकोण त्रिभुज बी सी डी से क्या, टेन टेन 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे सी डी, टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान 1 होगा, यानी और बी सी कितना है 20 बटे वाई, सी डी जो है क्या है वाई, तो वाई बराबर हो गया कितना 20, और y का मान पुट कर देना है समीकरण फर्स्ट में आ जाएगा x का मान, यानी AB का मान आ जाएगा, कर दीजिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखिए समीकरण फर्स्ट में, यानी 20 बराबर x प्लस 20 बटे रूट थ्री कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 20 रूट थ्री, यानी x प्लस 20 बराबर 20 रूट थ्री, कितना मान आ जाएगा,
एक्स बराबर 20√3 घटाओ 20, यानी 20 घटाओ √3 माइनस 1। हल कर लीजिएगा, √3 का मान 1.732 होता है, √3 का मान कितना होता है 1.732, यानी 20 घटाओ 1.732 घटाओ 1, बच जाएगा 20 गुना 0.732। समझ में आया? तो x का जो मान आ जाएगा, कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो लमसम 14.60 कर दीजिए, समथिंग आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो निकल गया, क्या निकला, झंडे की ऊंचाई क्या माने थे, x माने थे, जो कि x का जो वैल्यू आया है 14.60, ये झंडे की ऊंचाई आ गया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जी ऋतिक, ठीक है, आपका भी नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, समझ गए, मीनार पर, फिर खड़ा कर दीजिए, सेम टू सेम सवाल लग रहा है। ये मीनार मान लीजिए और इधर झंडा मान लीजिए। मीनार पर क्या हुआ, 10 मीटर का एक इस बार दे दिया है कि झंडा का ऊंचाई दे दिया है, 10 मीटर दे दिया है, मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना कितना है, झंडे के जो खड़ा है पाद ये हुआ, झंडा का जो पाद है ये 30 डिग्री है, और इसका जो शीर्ष है इसका कितना है, 60 डिग्री है। तो मान पुट कर दीजिए, यानी कुछ ए बी सी डी मान बैठा दीजिए, ए बी सी डी। अब किसका ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई को कुछ मान लेते हैं एक्स, और जो दूरी है इसको हम क्या मान लिए, वाई, क्षैतिज जो रेखा है उसको क्या मान लिए, वाई। अब इससे क्या दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है ए सी डी और दूसरा समकोण त्रिभुज है बी सी डी। अब इस दोनों त्रिभुज में आप लोग हल कर लीजिएगा, क्या क्या कीजिएगा, सबसे पहला जो त्रिभुज चलिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में लीजिएगा, ए सी डी में ले लीजिए, टेन साठ, ए सी डी टेन साठ, क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, सी डी। आप लोगों को, आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा, मान सबका ऊपर में लिख दीजिएगा अच्छी तरह से, उसके बाद हल कीजिएगा। तो टोटल जो ए सी की दूरी है x प्लस 10 मीटर हो जाएगा टोटल दूरी, यानी ए सी की जो टोटल दूरी है x प्लस 10 मीटर है, टेन साठ का मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ए सी का मान x प्लस 10 बटे सी डी का मान y कर दीजिए, y बराबर x प्लस 10 बटे √3। समीकरण फर्स्ट, पुनः चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में, क्या हो जाएगा बताइए, त्रिभुज बी सी डी में टेन 30 डिग्री बराबर बी सी बटे सी डी, टेन 30 बी सी बटे सी डी, टी शर्ट है वन बटे √3 बराबर बी सी, बी सी का जो मान है
एक्स है और सी डी का मान वाई है, तो इसमें भी वाई बराबर निकाल लीजिए, वाई बराबर क्या हो जाएगा रूट थ्री एक्स। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, समझ रहे हैं मेहुल, समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 14 का थर्ड है ये। भूमि पर एक बिंदु जो है P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, क्या है? भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी से ठीक ऊपर की ऊंचाई पर जा रहा है, क्या उन्नयन कोण दे दिया है क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। सवाल समझिए आप लोग और अपने से फिगर बनाने का प्रयास कीजिए, सवाल समझिए और अपने से फिगर बनाने का कोशिश कीजिए। बोला गया है इसमें कि भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, ठीक है, कोई बिंदु P ले लेते हैं, इससे जो है 10 मीटर ऊपर, ठीक है, 10 मीटर ऊपर क्या किया गया है, एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो कि चोटी के ठीक ऊपर की ऊंचाई पर जा रहा है। भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर से जा रहा है के उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। दस मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक देख लो, भूमि से जो था ये 10 मीटर की ऊंचाई पर था और यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है, और हेलीकॉप्टर जो है जो बिंदु है इसके साथ बिंदु के साथ 30 डिग्री का और 60 डिग्री चोटी के ऊपर की ऊंचाई पर जा रहा है, जो और दूर कितना है 30 डिग्री पर जा रहा है और ये जो भवन था इससे कुछ ऊंचाई पर, इसका वैल्यू अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है अभी नहीं दिया हुआ है, कितना डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री और 60 डिग्री का, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई देख लीजिए, ये भवन है 10 मीटर ऊंचा जो भवन है, कर दीजिए ए बी सी, देख लो ध्यान से कि भूमि पर एक बिंदु P से, भूमि पर एक बिंदु P से 10 मीटर के ऊंचे एक भवन, ये जो है भवन हो गया 10 मीटर ऊंचा भवन है
और इसके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर जो जा रहा है, जो भवन के चोटी के ठीक ऊपर की कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे। कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, इसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ हेलीकॉप्टर का, और इसकी जो दूरी है इसको हम लोग वाई मान लेंगे। इस प्रकार से इसमें हमको दो त्रिभुज प्राप्त हो गया है, एक त्रिभुज बी पी सी और दूसरा जो त्रिभुज है ए पी सी। आया समझ में? उसके बाद जो क्या करना है, टोटल ऊंचाई भूमि से ए तक जो ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी एपी का मान जो है कितना हो जाएगा, टोटल एपी अभी कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10 मीटर हो जाएगा। टोटल जो एपी हो जाएगा अभी एक्स प्लस 10 मीटर हो जाएगा। अब कर लीजिए ज्ञात, बस इसमें सिर्फ बार बार सवाल पढ़ना है, जब तक आपका पूरा चित्र सही ढंग से नहीं बन जाएगा अब तक ये सवाल नहीं बनेगा, याद रखिएगा हमेशा। अब जो चलेंगे त्रिभुज ए पी सी में, समकोण त्रिभुज ए पी सी में क्या आ जाएगा बताइए तो, 10 60 ए पी बटे पी सी, 10 60 का मान क्या आ जाएगा, √3 ए पी का मान हो जाएगा, एक्स प्लस 10 बटे वाई पी सी का मान, वाई वाई बराबर कितना हो जाएगा बताइए, एक्स प्लस 10 बटे √3। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब त्रिभुज चलना है पुनः त्रिभुज बी पी सी में, पुनः समकोण त्रिभुज बी पी सी में क्या आ जाएगा बता दीजिए, 10 कितना लीजिएगा, 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, बी पी बटे पी सी, 10 30 का मान 1 बटे √3, बी पी का मान कितना है 10 दिया हुआ है और पी सी का मान वाई है, तो वाई बराबर 10 √3 हो गया, वाई बराबर 10 √3 हो गया ना, वाई बराबर 10 √3। जी अभिषेक जी बहुत उड़ा रहे हैं एरोप्लेन, वाई बराबर 10 √3। इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएगा, X प्लस 10 बटे √3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 √3 कर दीजिए, X प्लस 10 बराबर 10 √3 गुना √3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए, X बराबर 10 30 घटाओ 10 बराबर 20 मीटर, यानी यही पूछ रहा था, अतः कर देना, जमीन से मैं पूछ रहा था, x का मान कितना आ गया 20 मीटर, जमीन से हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 30 मीटर, कर देना है, जमीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई x प्लस 10, एपी है ना, एपी x प्लस 10 यानी 20 प्लस 10 बराबर 30 मीटर आ गया। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, नेक्स्ट सवाल है, इसको हम आप लोगों को सिर्फ समझा दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर बोल रहा है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है, कितना है अवनमन कोण, एक जहाज है जो कि चल रहा है, हवाई जहाज जो है उसका अवनमन कोण दिया हुआ है कितना, दो तरफ है इसका जो अवनमन दाएं और एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण, ये हवाई जहाज ऊपर चल रहा था और
याद रखना हमेशा, जहाज जो है पानी में चलता है, समझ गया? क्या होता है, हवाई जहाज ऊपर वायु में और जहाज पानी में रहता है, तो दोनों का जो है अवनमन कोण, अवनमन कोण यहां बनेगा, अवनमन कोण यहां बनेगा, कितना डिग्री है, एक 45 डिग्री है और दूसरा कितना 60 डिग्री है, एक अवनमन कोण कितना 60 डिग्री, दूसरा 45 और 60 चल रहा है, अवनमन कोण 60 और 45 है। यदि दोनों जहाजों की बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितना दे दिया है 1 किलोमीटर, कितना दे दिया है 1 किलोमीटर, दोनों जहाजों की बीच की दूरी 1 किलोमीटर दे दिया, तो जहाज की ऊंचाई जहाज की ऊंचाई मतलब हवाई जहाज की जो है ऊंचाई निकालना है, हवाई जहाज की ऊंचाई, ऊंचाई तो यहां से लंबवत पड़ेंगे पड़ेगा तब ना होगा, क्या निकालना है, हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है, कर दीजिए ए बी सी डी, कर दिए ए बी सी डी। अब जो है हवाई जहाज की जो ऊंचाई है, कुछ मान लीजिए वाई मान लेना है, बी डी जो है इसको हम एक्स मान लिए, तो सी डी का जो मान होगा वो घट जाएगा, टोटल एक में एक घटाओ एक्स, इतना दो सी डी का जो मान निकला, पूरे में से एक्स को घटा देंगे तब ना निकलेगा, बी डी को मान लिए एक्स, तो सी डी कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, बी डी को मान लिए एक्स तो सी डी 1 माइनस एक्स। अब देखो दो त्रिभुज बन रहा है ना, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक इधर और एक इधर, दोनों समकोण त्रिभुज है, यानी ए बी डी और समकोण त्रिभुज है ए डी सी, दो समकोण त्रिभुज बना, पहले समकोण त्रिभुज में ले लेना है 10, ये देखो अब ये कोण 45 है, तो ये कोण कितना होगा 45 डिग्री, क्यों हुआ, एकांतर कोण है इसलिए बराबर हुआ, और दूसरा कोण ये कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इधर भी एकांतर कोण है, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, यदि संगत कोण भी रहता तो संगत कोण भी, ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाता है, वो भी बराबर होगा, यदि कुछ नहीं रहता तो इस तरह का रहता तो ये और ये कोण सम्मुख कोण, यदि दो सरल रेखा एक दूसरे को काटेगा तो ये क्या कहलाएगा सम्मुख कोण कहलाएगा, कुछ भी रहेगा तो। चलिए यहाँ तक समझ गए, अब देखिए एक बार 10 45 त्रिभुज ए बी डी में चलिएगा, इससे क्या होगा 10 45 एक्स बराबर वाई निकल जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, फिर चलना है त्रिभुज ए डी सी में, इसमें 10 60 लिखना है, समझ गए 10 60 लिखना है, और वाई बटे 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और दोनों समीकरण को हल करना है तो एक्स और वाई का मान निकलेगा, तो आपको एक्स का मान नहीं लिखना है बल्कि हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है, मतलब वाई का मान निकालना है, समझ गए? आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहा कल का। ठीक है, आप लोग जो है घर में जाके मेहनत कीजिए, आगे बनाइए, जो आगे नहीं बनता है तो वो किसी से कांटेक्ट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया कीजिएगा, तो हम वहाँ पे पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप आगे बनाते रहिए, हम अपने सीरियल क्रम से चलेंगे और आप हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए, जो भी परेशानी होगा हम आप लोगों को बताने के लिए तैयार हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से, कुछ सभी चीज़ के माध्यम से हम आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन ये जो सिलेबस चल रहा है इसको धीरे धीरे चलने दीजिए। ठीक है, आप लोग अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि उनसे शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, थैंक यू, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।